जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। इन परीक्षाओं के लिए मुरादाबाद में 13 केंद्र बनाए गए, जहां पर कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए ये परीक्षा संपन्न कराई गई। परीक्षाओं के मद्देनजर शिक्षा विभाग द्वारा पहले से ही व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई थी, जिससे किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। परीक्षाओं के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी किए गए थे। जनपद में 13 परीक्षा केंद्रों पर पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए थे। परीक्षा छूटने से पूर्व सभी अभिभावक परीक्षा केंद्रों के बाहर बच्चों से ये जानकारी लेने के लिए काफी उत्साहित दिखाई दे रहे थे, उनका पेपर कैसा हुआ है। मुरादाबाद के जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार दुबे ने जानकारी दी है कि मुरादाबाद में जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए ये परीक्षा आयोजित की गई थी, शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि इस परीक्षा में 3,583 बच्चे भाग ले रहे हैं, परीक्षाएं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई है। आज जवाहर नवोदय विद्यालय की संयुक्त प्रवेश परीक्षा जनपद के 13 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही है और 3,583 परीक्षार्थी उस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। सारी परीक्षा CCTV कैमरे और वॉइस रिकॉर्डर की निगरानी में हो रहे हैं। हर परीक्षा केंद्र पर खंड शिक्षा अधिकारी को लगाया गया है ऑब्जर्वर के रूप में, और जवाहर नवोदय विद्यालय संगठन की तरफ से भी ऑब्जर्वर लगाए गए हैं। नकल विहीन और शांतिपूर्वक परीक्षा कराने के सभी प्रबंध किए गए हैं। वहीं परीक्षा छूटने के बाद बच्चों के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती है। सभी बच्चे इस बात का संदेश दे रहे थे कि परीक्षाएं उनकी अच्छी हुई हैं। उम्मीद है जवाहर नवोदय विद्यालय का एडमिशन हो जाएगा।